हाय फ्रेंड, मैं हूँ सुभाष, एनएलपी ट्रेनर एंड लाइफ कोच। और इंडियन पॉलिटी पे एक नया वीडियो। ये जो भारतीय संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इसीलिए हम इसको उधाय की पोटली बोलते हैं। अब उधाय की पोटली मतलब हमने अनेक देशों से जो जो अच्छा था उनके संविधान में वो हमने लिया है। तो 10 देशों से हमने कुछ कुछ लिया है, तो वो क्या क्या लिया है इस पर अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो क्या आता है उसमें, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। जैसे 395 अनुच्छेद थे हमारे संविधान में स्टार्टिंग में, लेकिन उसमें से 250 सीधे हमने भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 का था, भारतीय शासन अधिनियम, उसमें से हमने ले लिए 250 अनुच्छेद, या तो शब्दशः लिए हैं या थोड़े फेर बदल के साथ लिए हैं। ये सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का। यदि सीधा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। लेकिन बाकी देशों से हमने क्या क्या लिया है उस पर भी इजीली क्वेश्चन बनता है। जैसे यूएसए से हमने 7 पॉइंट लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा से 4, ब्रिटेन आयरलैंड से 3, जर्मनी दक्षिण अफ्रीका रूस जापान फ्रांस इनसे 1-1 पॉइंट लिया है। तो क्या क्या लिया है देखिए जरा। सबसे पहले ब्रिटेन देखें हम। ब्रिटेन क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का शासन था हम पे, तो उसने जो शासन प्रणाली दी थी उसी को हमने फॉलो करा कि उसके देश में कैसी थी। तो संसदात्मक शासन प्रणाली थी ब्रिटेन में, तो वो हमने वहाँ से ले ली। एकल नागरिकता थी, वो भी हमने ले ली। और विधि निर्माण की प्रक्रिया ले ली, मतलब ब्रिटेन से 3 पॉइंट ले लिए। संसदात्मक शासन प्रणाली जैसे कि ब्रिटेन में लागू है, एकल नागरिकता जैसे कि ब्रिटेन में है, और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये 3 चीज। यूएसए से देखें तो यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिए। यूएसए, अमेरिका से हमने क्या लिया, एक तो मौलिक अधिकार लिए, न्यायिक पुनरावलोकन लिया, न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को निर्वाचित कैसे करेंगे और उसे हटा कैसे सकते हैं, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि भी हमने यूएसए से ली, और वित्तीय आपात। अब आपात 3 तरह के हैं हमारे पास। तो जर्मनी में देखिए, जर्मनी से हमने सिर्फ एक ही प्रावधान लिया है, आपातकाल का। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। तो आपातकाल जर्मनी से हमने 2 पॉइंट लिए। कौन कौन से 3 आपातकाल है हमारे पास, 352 नेशनल इमरजेंसी और 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। तो ये 2 तो हमने जर्मनी से लिए, लेकिन वित्तीय आपात जो 360 में है, हमारे अनुच्छेद 360 में, वो हमने अमेरिका से लिया है। तो ब्रिटेन से हमने 3 लिए, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया। जर्मनी से हमने सिर्फ आपातकाल लिया, लेकिन 2 तरह के, 352 और 356। वित्तीय आपात 360 अमेरिका से लिया, अमेरिका से वो क्या लिया, तो मौलिक अधिकार लिए, अधिकार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। मतलब 5 और 6 पॉइंट एक में डाल सकते हो आप चाहो तो, कि राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमने अमेरिकी संविधान से ली है। तो ये 3 हो गए। आगे देखिए, आयरलैंड से हमने क्या लिया, आयरलैंड बहुत छोटा देश है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत इसके बहुत स्ट्रांग है। नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ है, भाग 4 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक है, 35 से 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए। वो क्या लिया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, के राष्ट्रपति को निर्वाचन कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत में एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, और दूसरे मनोनयन, के राष्ट्रपति मनोनयन कैसे करेगा राज्यसभा में लोगों को, वो हमने आयरलैंड से लिया। तो ये दिख रहे हैं 3 पॉइंट आयरलैंड से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच हमने शक्तियां डिवाइड की है, तो वो कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय विशेषाधिकार, देखो संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली, ब्रिटेन से।
वो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, संसदीय विशेषाधिकार, क्योंकि ब्रिटेन का ही कहीं ना कहीं प्रभाव ऑस्ट्रेलिया पे भी है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से संसदीय विशेषाधिकार लिया हमने। प्रस्तावना की भाषा ली, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, वो संसदीय विशेषाधिकार, तो 4 पॉइंट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन लिया, जो कि हमारे भाग संविधान के भाग 20 में है। 20 में क्या है, 368 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कि संविधान में संशोधन किस तरह से कर सकते हैं, तो वो कहाँ से सीखा हमने, दक्षिण अफ्रीका से। रूस से क्या लिया, रूस हमारा दोस्त ही है, तो मौलिक कर्तव्य लिए हमने, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, अमेरिका से, अधिकार, अमेरिका ताकतवर है तो अधिकार दिखाता है, तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ले लिए। रूस भी ताकतवर है लेकिन उससे हमने क्या सीखे, मौलिक कर्तव्य सीखे। अब कर्तव्य क्या आते हैं, जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से सीखे, भाग 4 में है, ये भी भाग 4 में है लेकिन भाग 4 क में है, 51 बोल सकते हैं, 51 का भाग 4 51 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। कहाँ से लिए, रूस से लिए। कनाडा से हमने क्या सीखा, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां मतलब कैसी, देखिए हमने यह शक्तियों का विभाजन किया ऑस्ट्रेलिया से लिया कि शक्तियां बांटी हमने केंद्र और राज्यों के बीच, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी थी जो बची हुई थी तो हमने किसको दी, केंद्र को दी, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेगी, केंद्र के पास रहेगी। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कनाडा से, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कनाडा से। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, अब देखो ऑस्ट्रेलिया से भी हमने शक्तियों का विभाजन लिया, राज्य संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को, ये कनाडा से लिया। जापान से 1 पॉइंट लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा, और यहाँ देखो ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिए और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए। फ्रांस से क्या लिया, गणतंत्रात्मक शासन लिया, सिंपल 10 पॉइंट में। तो इसको आप 2-3 बार यदि सुनोगे, 2-3 बार समझने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करना है, सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होगा, तो आप समझने की कोशिश करो किस देश से हमने क्या चीज सीखी, तो आपको आसानी से याद होगा। उधार की पोटली बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमने अलग अलग जगह से ली है, तो कहाँ से क्या क्या लिया, इस पे बहुत आसान क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आसान क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे यदि आप इस पे ध्यान दोगे। यदि आपको लगता होगा ये वीडियो काम का है, आपको हेल्प कर रहा है, आपके दोस्त को भी हेल्प कर सकता है, तो उसके साथ शेयर कर लो। थैंक यू।